मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का सबके आसपास पर्यावरण। ये नई बुक है, शायद आप लोगों के पास ना हो, लेकिन आप वीडियो और पीडीएफ देख के अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। यह है पहला पाठ। पाठ का नाम है मजेदार ज्ञानेन्द्रिया, यानी जो हमें किसी चीज़ का को बताती है। जैसे अगर हम गर्म चीज़ छूते हैं और हमारे मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचाता है कि ये चीज़ गर्म है, हमें नहीं छूना चाहिए, या कहीं खतरा है और हम जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जो सूचना वहाँ तक पहुँची है उसको हम ज्ञानेन्द्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, आपको पढ़ रही हूँ, ये सुन के भी आपको पता चल जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? देखिए, यहाँ बच्चे बैठे हैं, देख रहे ना, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं ना, और ये कौवा जो है एक रोटी का टुकड़ा लेके उड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आप खुले मैदान में बैठकर खाना खा रहे हो और कौवा आकर फुर्ती से आपकी रोटी लेकर उड़ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी हमारे हाथ से कुछ खाने की वस्तु लेके उड़ जाते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब दिया है कि आप से जमीन पर कुछ मीठा गिर गया हो और कुछ ही पलों में बहुत सी चींटियां उसके आसपास इकट्ठा हो जाए। ऐसा तो हम प्रायः देखते हैं कि जब भी कोई मीठी वस्तु गिरती है, भले वहाँ एक भी चींटी ना हो, लेकिन जैसे ही मीठा चीज गिरता है, चाहे बिस्किट, चॉकलेट, हनी, मध, कुछ भी, चीनी, तो आप देखेंगे 15-20 मिनट बाद वहाँ बहुत सारी चींटी आ जाती है ना, उसी चीज को बताया। और आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या होता है कि जब कोई कुत्ता सोया रहता है और हम वहाँ पास से गुजरते हैं, तो वो तुरंत ऐसे चौंक के कान खड़े कर देता है कि मतलब शायद कोई आया, इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है, सोचकर बताइए। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आप बताइए, जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि कब जब कोई घटना होती है तो उसकी सूचना हमारे ज्ञानेन्द्रियों तक जाती है और हम तुरंत अलर्ट यानी सचेत हो जाते हैं। अगर कहीं अचानक से कोई खतरा होता है तो हमारी आंखें देख लेती हैं और हमारे ज्ञानेन्द्रियों तक सूचना पहुंच जाती है कि यहाँ आपको खतरा है, या कोई भी चीज़ है गर्म होता है तो तुरंत हम टच करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात सूचना आती है कि ये चीज़ गर्म है, इसको हमको टच नहीं करना है, हाथ पीछे खींच लेना है, ठीक है। इसी तरह जानवरों में भी भिन्न भिन्न इंद्रियाँ होती हैं। वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद, गंध एवं महसूस करके करने का अनुभव कर सकते हैं। कई जानवर शिकार को मीलों दूर से भी देख सकते हैं, कई जानवर हल्की सी आहट को भी सुन सकते हैं, कई जानवर अपने साथी को सुन कर ढूंढ लेते हैं। प्राणी सृष्टि भी अद्भुत इंद्रियों के उदाहरणों से भरी हुई है। आपको मालूम है ना कि चील जब आकाश में भ्रमण करता है तो 100 मील दूर से ही वो अपने शिकार को देख लेता है और फटाक से जमीन पे आके अपने शिकार को लेके चला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह कुत्ता भी काफी दूर से सुन के जान जाता है कि यहाँ पे खाने पीने की वस्तु है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्राणी सृष्टि यानी प्राणी जो संसार है उसमें अद्भुत इंद्रियों का उदाहरण भरा हुआ है, यानी हम जो मनुष्य हैं हमारे अंदर ऐसे ज्ञानेन्द्रियां हैं, मजेदार ज्ञानेन्द्रियां। अब चींटी अपने साथी को कैसे पहचान जाती है? आपको मालूम है ना कि चींटी, अगर कभी देखा होगा आपने कि चींटी जब जाती है तो आप देखेंगे कि दूसरी चींटी भी उसी लाइन पे जाती है और उधर से जो रिटर्न होती है वो भी उसी लाइन से आती है। वे लोग लाइन से इधर उधर नहीं होते, रीजन जानते हैं? नहीं, तो मैं बताती हूँ कि एक चींटी अपने रास्ते मैदान पर
चलती जा रही थी। उसने अपने सामने अन्य चींटियों की टोली को आते देखा। वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। रक्षक चींटी उसे पहचान गई और उसे बिल में घुसने दिया। सोचकर बताइए, आप सोचिए और बताइए कि इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। अब बताइए, उनको तो कोई नॉलेज नहीं है, वो हैं तो जंतु, तो उनको कैसे पता चला कि ये चींटी जो है हमारे दल की चींटी नहीं है। जैसे हमारे मनुष्यों में होता है ना, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे दूसरे परिवार के सदस्य हैं, इसी तरह जीव जंतुओं में भी इस तरीके का होता है। ठीक है, रक्षक चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? फर्स्ट क्वेश्चन कि चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां जो है दूसरे टोली की है, और दूसरा क्वेश्चन है कि रक्षक चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। अब प्रयास करके लिखिए, चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखी हो। अब चींटियों को आने का इंतजार कीजिए, पता कीजिए। अब ये आपको स्वयं करना है। क्या करना है कि कुछ दाने चीनी के आपको जमीन पे गिरा देने हैं, और फिर वहां इंतजार करके देखना है कि चींटियां कितने देर में वहां पर आती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चींटियां कितनी देर में आएं। आप इंतजार करेंगे, देखेंगे कि 10 मिनट में आती हैं, कि 15 मिनट में आती हैं, कि आधे घंटे में आती हैं, कि 1 घंटे में आती हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि चींटियां कितने देर में आए। आप ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा है, तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड एक साथ आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले एक चींटी आई या सारा एक साथ सारी चींटियां आ गई। ठीक है, तो आगे देखिए, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, यानी वे आई, चीनी खाई या चीनी लेकर वे फिर कहाँ जाती हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, क्या वे कतार में चलती हैं। फिर हमको चौथा क्वेश्चन क्या करना है, देखना है कि वे लाइन, कतार मतलब लाइन से चलती हैं या इधर उधर आई और कहीं चली गई। तो ये प्रयोग आप करेंगे, ठीक है ना। शिक्षक के लिए, इस उम्र के बच्चे जानवरों में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने अनुभव की चर्चा हेतु प्रोत्साहित कीजिए, और लोकनों से क्रियाकलाप हेतु बच्चों का समर्थन कीजिए। उनमें धीरज एवं बारीकी से देखने का अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, आप यहीं पे इस तरीके का एक प्रयोग घर में करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चींटियां किस तरह से आई, एक एक करके आई कि एक साथ आई, लाइन में जाती हैं या इधर उधर चली जाती हैं, किस तरीके से, और फिर वे जहां से आई वहीं जाती हैं या जो भी करती हैं। तो इस तरह से आप इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब प्रयोग करके आप अपने घर पे देखेंगे। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।